संसद के भीतर हमारा शेर आज बोलेगा और संसद के बाहर हमारे ये शेर यहाँ खड़े होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। उसकी वजह है आप लोगों की ताकत, उसकी वजह है आपके खून की गर्मी, उसकी वजह है आपका हौसला। ऐसे इस गर्मी में मणिपुर की महिलाओं के आंसू भी शामिल है। ये उन आंसुओं की भी गर्मी है। ये गर्मी सत्ता को खाक कर सकती है, ये गर्मी जलाकर इस घमंड को राख कर सकती है। इस गर्मी को कम मत आंकना, इस गर्मी में बहुत ताकत होती है। और पूरा देश देख रहा है, पूरा जमाना देख रहा है कैसे हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथी इस गर्मी में खड़े होकर मणिपुर पर, महंगाई पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। संसद के भीतर हमारा शेर आज बोलेगा और संसद के बाहर हमारे ये शेर यहां खड़े होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज मेरा कुछ कार्यक्रम जयपुर में था, श्रीनिवास भाई का रात को फोन आया, सुरभि का मेरे को रात को फोन आया और उनको सिर्फ उन्होंने कहा यूथ कांग्रेस का मोर्चा है, मैंने अपना कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। यूथ कांग्रेस मेरे लिए सबसे पहले आती है, बाकी सब बाद में आता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आप लोगों की ताकत, उसकी वजह है आपके खून की गर्मी, उसकी वजह है आपका हौसला। इस हौसले की वजह से आज 9 साल विपक्ष में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज इतनी मजबूती से उठाती है, हर मुद्दे पर उठाती है। और जब यूथ कांग्रेस अपनी आवाज उठाती है तो पूरा देश उठता है। ये दम है आपकी आवाज। मैं श्रीनिवास जी को, कृष्णा अलागुरु जी को, कोको पाड़ी जी को, मेरे तमाम यूथ कांग्रेस के साथी डॉक्टर पलक, सुरभि, जो पराग शर्मा, जितने लोग जिनको मेरे जिनका नाम मुझे याद आ रहा है, उन सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमेशा राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथों को मजबूत करते हो और इस देश में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर कांग्रेस पार्टी उभर के आई है। तो आपकी वजह से उभर, भारी गर्मी है और हम सबको इंतजार है कि हमारा शेर संसद में दहाड़े, लेकिन इस बहरी सरकार को सिर्फ यूथ कांग्रेस की आवाज ही जगा सकती है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय यूथ कांग्रेस। धन्यवाद।